अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन को गोली मारने के बाद बाकी के लोग लेडी पोल को बेहोश कर देते हैं, वहीं जॉन को भी अंदर लाकर उसका इलाज करते हैं। और जब इलाज के बाद जॉन होश में आता है तो मिस्टर नॉरल उससे सवाल करते हैं कि वो सड़क के बीच में जादू परफॉर्म क्यों कर रहा था, जिस पर जॉन जवाब देता है कि लेडी पोल कोई जादू परफॉर्म कर रही थी जिसे रोकने के लिए मैंने जादू किया। लेकिन मिस्टर नॉरल ये बात मानने से इनकार कर देते हैं कि लेडी पोल कोई जादू कर सकती है। दरअसल मिस्टर नॉरल नहीं चाहते कि उनके और फेरी के सौदे की बात किसी को भी पता चले, इसलिए वो जॉन को सारी बात भुलाने और साथ ही किसी और से भी इस बारे में बात ना करने को कहते हैं। अब उसके बाद हम जोनाथन और मिस्टर नॉरल को देखते हैं, जो इंग्लैंड के किंग जो रिसेंटली पागल हुए थे उनसे मिलने के लिए जाते हैं। वो दोनों राजा को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन राजा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। जिसके बाद जब मिस्टर नॉरल और जोनाथन राजा के कमरे से निकल रहे होते हैं तो जोनाथन एक पेंटिंग देखता है, जो पेंटिंग रेविन किंग की थी, जहां वो उसमें फेरी को भी देखता है। लेकिन मिस्टर नॉरल रेविन किंग को बुरा भला कहकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हम जोनाथन को राजा के साथ देखते हैं। दरअसल पिछली बार मिस्टर नॉरल और जोनाथन ने उनको ठीक करने की कोशिश की थी पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए जोनाथन उनसे एंशिएंट मैजिक स्पेल्स का प्रयोग करने के लिए कहता है। लेकिन मिस्टर नॉरल एंशिएंट मैजिक को नहीं मानते, इसलिए वो तुरंत ही मना कर देते हैं। इसलिए अब जोनाथन अकेले ही राजा को ठीक करने की कोशिश करता है, और जब वो एक कैंडल जला के एंशिएंट स्पेल पढ़ता है तो राजा कुछ बोलने लग जाते हैं जो लॉस्ट होप की बातें करते हैं। लेकिन जोनाथन को कुछ समझ नहीं आता, और फिर राजा देखते ही देखते कुछ बड़बड़ाते वहीं रखे एक मिरर के अंदर समा जाते हैं और उनका एक जूता बाहर ही रह जाता है। अब राजा अपने मिरर के जरिए सीधे गायब होकर एक रोड के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, और उनके सामने से घोड़ा गाड़ी आ रही होती है जिसमें लेडी पोल को स्टीफन यहाँ से दूर एक असाइलन में ले जा रहा था। अब राजा को देखते ही वो गाड़ी से उतरकर राजा के पास आता है, और फिर अचानक से स्टीफन के हाथ में एक बड़ी सी तलवार आ जाती है, और फिर एक अनजान फोर्स स्टीफन को राजा को मारने के लिए उसके पास खींचने लगती है। उधर राजा को मिरर में गायब होते देख जोनाथन घबरा जाता है और तुरंत एक दूसरा स्पेल पड़ता है और उसी कैंडल को उठाकर मिरर की तरफ फेंकता है, और वहीं जैसे ही स्टीफन राजा को मारने वाला होता है वैसे ही राजा वहां से गायब होकर फिर से अपने रूम में लौट आते हैं, जिससे फेरी को जोनाथन के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। इसलिए अब वो ठान लेता है कि मैं उसकी पत्नी को उससे छीन कर उसको बर्बाद कर दूंगा। अब सीन कट होकर मिस्टर नॉरल की तरफ मुड़ती है, जो आराम से बैठकर किताब पढ़ रहे होते हैं, और तभी वहां जोनाथन आकर उनसे एंशिएंट मैजिक की बात करता है, जिस पर मिस्टर नॉरल कहते हैं कि एंशिएंट मैजिक सिर्फ कहानियों में एग्जिस्ट करती है ना कि असल दुनिया में। पर जोनाथन उन्हें समझाता है कि मैंने युद्ध में रेवन किंग के एक बहुत पुराने जादू का प्रयोग किया था और वो काम भी किया, मतलब कि ये सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि शायद इन मिरर के पीछे अभी भी वो पुराने फेरी और जादू की दुनिया एग्जिस्ट करती है। पर इससे मिस्टर नॉरल को गुस्सा आ जाता है, इसलिए अगली बार उसे बिना उनकी अनुमति की कोई भी जादू करने से मना कर देते हैं। फिर हम लेडी पोल को देखते हैं जिन्हें असाइलम में लाया गया होता है, जिसे मिस्टर सेंगुडस और हनीफूड मिलकर चलाते हैं। अब लेडी पोल को उनके कमरे में ले जाया जाता है, जहां लेडी पोल को लगता है कि ये लोग भी मिस्टर नॉरल के लोग हैं, इसलिए वो स्टीफन को यहां से फिर से लंदन ले जाने की बात करती है। लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और वो लोग दरवाजा बंद करके वहां से चले जाते हैं। अब उसके बाद हम जोनाथन और उसके एक और साथी को खेल खेलते हुए देखते हैं, जो खेलते खेलते आपस में ही जादू की बातें करने लगते हैं, और तभी वहां पर एक अनजान इंसान आकर उनसे टेबल खाली करने की मांग करता है, जिस पर जब वो लोग मना कर देते हैं तब वो अनजान इंसान दावा करता है कि मैं मिस्टर जोनाथन स्ट्रेंज को जानता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए ही काम करता है, जिस पर जोनाथन उसे रिवील करते हैं कि मैं ही जोनाथन स्ट्रेंज हूँ और मैंने तुम लोगों को आज से पहले कभी नहीं देखा, जिस पर वो लोग हंसने लगते हैं। इसलिए फिर जोनाथन उनके सामने जादू दिखाने के लिए मिरर पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ता है और फिर वो गायब होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अब मिरर के पीछे की दुनिया में घूमते घूमते जोनाथन एक मिरर के जरिए किसी के रूम में पहुंच जाता है,
जहां पर ड्रॉलाइट किसी लेडी को जॉनथन के नाम से बेवकूफ बनाकर पैसे लूट रहा था और जॉनथन के आते ही वो वहां से भाग जाता है। अब उसके बाद जॉनथन के दोस्त उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां वो एनाबेल को सब बातें बताते हैं कि कैसे जॉनथन देखते ही देखते मिरर के अंदर गायब हो गया और काफी इंतजार करने के बाद अब वो जॉनथन के घर आए हैं। और तभी जॉनथन भी फिर से अपने घर लौट आता है। अब उसके घर पहुंचते ही एनाबेल उससे सवाल करती है कि वो कहां पर था, जिस पर वो जवाब देता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। एनाबेल उसे समझाती कि वहां खतरा हो सकता था, लेकिन जॉनथन जवाब देता है कि वो सुरक्षित है और ये सब तो होता ही रहता है जादू में। पर एनाबेल को जॉनथन की चिंता होने लगती है, इसलिए उससे वादा की मांग करती है कि वो आगे से उस वर्ल्ड में नहीं जाएगा। पर जॉनथन मना करते हुए समझाता है कि ये वो जादू है जिससे मिस्टर नॉरेल मुझे हमेशा दूर रखना चाहते हैं और अब तुम भी मुझे इससे दूर रहने के लिए कह रही हो, जो मैं नहीं कर सकता। जिसे सुनकर एनाबेल थोड़ा दुखी हो जाती है। अब उसके बाद हम ड्रॉलाइट को उसके साथ ही रसल से मिलते हुए देखते हैं और क्योंकि उसने लोगों को जादू के नाम पर ठगा होता है इसलिए सब उस पर भड़के होते हैं, लेकिन वो उनको मनाने के लिए अपने दोस्त की मदद मांगता है। पर रसल उससे धोखा करता है और उसे ही जेल में बंद करवा देता है। अब उसके बाद हम जॉनथन और मिस्टर नॉरेल के बीच बहस होते देखते हैं, क्योंकि मिस्टर नॉरेल बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लोग रेवन किंग या उसकी दुनिया को जाने, इसलिए वो जॉनथन को मिरर वर्ल्ड के बारे में और खोजने से मना करते हैं, जिससे जॉनथन गुस्सा होकर फिर से अपने घर लौटकर कुछ लिखने लगता है। अब उसके बाद वो अपनी पत्नी एनाबेल से भी माफी मांगता है, जिसके बाद वो एनाबेल को एक किताब दिखाकर कहता है कि मैंने ही ये लिखा है जिसे मैं जल्दी पब्लिश करूंगा, जिस पर वो याद दिलाती कि अगर मिस्टर नॉरेल को पता चलेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। पर वो रिवील करता है कि उसे नहीं पता चलेगा और वो इससे पहले ही पब्लिश कर चुका रहेगा और फिर दोनों अपने घर लौट जाएंगे। दरअसल इस किताब में जॉनथन ने रेवन किंग और उनकी एंशिएंट मैजिक के बारे में लिखा है और कैसे मिस्टर नॉरेल इस मैजिक को सभी से छिपा रहे हैं। वहीं या मिस्टर सेंगुडू उस लेडी पोल को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उनकी एक बात नहीं मानती और तभी वहां पर मिस्टर नॉरेल का सर्वेंट जॉन आ जाता है और जॉन को देखकर लेडी पोल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, इसलिए मिस्टर सेंगुडूस और हनीफूड दोनों जॉन को अंदर आने नहीं देते और उसे भगा देते हैं, जिसके बाद ही लेडी पोल को थोड़ी राहत महसूस होती है। अब इसके बाद मिस्टर नॉरेल और जॉनथन में फिर से एंशिएंट मैजिक के बारे में बहस होने लगती है, जहां मिस्टर नॉरेल कहते हैं कि रेवन किंग का जादू बहुत ही खतरनाक है, हम फेरी को हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर वो फिर से आ गए तो, इसलिए मैं लोगों से रेवन किंग की दुनिया को छिपाना चाहता हूँ। पर जॉनथन उनकी बात नहीं समझ पाता और अंत में मिस्टर नॉरेल के साथ काम करने से मना कर देता है। फिर हम जॉनथन को अपने घर पर देखते हैं जो अपनी पत्नी को खबर करता है कि मैंने मिस्टर नॉरेल के साथ अग्रीमेंट तोड़ दिया है, जिससे अब हम अपने घर लौटकर एक साथ समय बिता पाएंगे, जो सुनकर एनाबेल बहुत खुश हो जाती है। पर जॉनथन ये सब कह ही रहा होता है कि वॉर ऑफिशियल्स वहां आकर जॉनथन को खबर करते हैं कि उन्हें युद्ध में फिर से लौटना पड़ेगा, क्योंकि नेपोलियन ने फिर से उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जिसे सुनकर एनाबेल उदास हो जाती है। पर जॉनथन उससे वादा करता है कि वो जल्दी लौटेगा, तब तक तुम वापिस जाने की तैयारी जारी रखना। अब इसके बाद सीन फेरी की तरफ मुड़ती है, जिसे गड्ढे में कुछ मिलता है जिसे वो स्टीफन को निकालने के लिए कहता है, और जब स्टीफन उसे निकालता है तो वो एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा निकलता है। अब इसके बाद फेरी एनाबेल का रुमाल जिसमें उसके आंसू थे उसे लकड़ी के ऊपर गिराता है, और ऐसा करने के बाद जब फेरी उस लकड़ी के ऊपर का हिस्सा हटाता है तो उसमें एनाबेल का चेहरा बन जाता है, जिसे देखते ही स्टीफन घबरा जाता है, पर वहीं पर फेरी बहुत खुश होता है। दरअसल जब लेडी पोल ने हाथ काट लिया था और तब जब एनाबेल कमरे के बाहर बैठकर रो रही थी तब फेरी उसे साफ करने आया था, लेकिन एनाबेल मना करके चली गई थी, पर वो अपना रुमाल वहीं भूल गई थी जिसे फेरी ने अपने पास रख लिया। अब इसके बाद हम मिस्टर नॉरेल और रसल को देखते हैं, जो आपस में ही जॉनथन को बर्बाद करने का प्लान बना रहे थे, और इसी इवल एंडिंग के साथ इस सीरीज की
फोर्थ एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।